At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ, वंश कोल्हू, तेल से ही मिलेगा यही। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी और पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। इसके बाद आकाश आनंद बसपा के लिए माहौल बनाने में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। लगातार आकाश आनंद की जनसभाओं का दौर चल रहा है। इसी तरह से सीतापुर में भी 28 अप्रैल को उनकी जनसभा का कार्यक्रम है। वह यहां पर सीतापुर लोकसभा से बसपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव के पक्ष में सभा को संबोधित करने आएंगे। इससे पहले उनकी सभा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि आई इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह वीडियो उनकी कौशाम्बी जनसभा का बताया जा रहा है। इस वायरल वीडियो में नीला गमछा पहने कुछ लोग पैसे बांटते नजर आते हैं। आकाश आनंद कौशाम्बी से बसपा प्रत्याशी शिवनारायण गौतम के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। आरोप है कि सभा के बाद सभा स्थल के पास ही पैसों का लेन देन किया गया, जिसका वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बसपा पदाधिकारी आम लोगों के बीच रुपया बांट रहे हैं। चर्चा है कि रुपया पाने वाले लोग वह कथित ठेकेदार हैं जिनके जरिए इस सभा में भीड़ जुटाई गई थी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से भी हड़कंप मच गया है। विपक्षी दलों ने एक्स पर भारत निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन को टैग पोस्ट करते हुए कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश राय ने चायल के SDM योगेश कुमार गौड़ को जाँच और इसकी रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई के लिए निर्देशित कर दिया है। हालांकि बसपा प्रत्याशी ने इस पूरे मामले में अपना पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा कि जनसभा के दौरान रुपए वितरित किए जाने से ना तो उनका कोई लेना देना है और ना ही उन्हें कोई जानकारी है। बहरहाल यह वायरल वीडियो सुर्खियां तो बन ही गया है, आने वाले समय में बसपा के लिए मुसीबत का सबब भी बन सकता है। नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।